और इनका हो चुका है काम चालू। तो भाई अपने स्टैंड पे तो हमने पूरा पेंट कर दिया था अच्छे से, दो कोट मार दिए, यहाँ से लिया ये नियॉन लाइट। तो भाई अपने रूट्स हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। आप फिनिशिंग चेक करो भाई, अपनी बाइक की वॉशिंग चल रही है, चेक करो आप बाइक की, सीधा फाइनल लुक चेक करा। हे गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो मेरे सारे भाई, होप करता हूँ कि सारे भाई बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। ये रही खड़ी अपनी बाइक, इस बाइक में लगवाने वाला हूँ मैं आज 6 रूट्स भाई। जो अपने 2 रूट्स लग रहे थे वो भी मैं उतार चुका हूँ भाई, आज बिल्कुल मजा आने वाला है। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आज यह होने वाली है तूफानी वीडियो। तो भाई जो रूट्स में पत्ती वगैरह लगते हैं वो तो मैं लेके आ गया था, और वो मैं मिस्त्री को दे के आ गया, वेल्डिंग वाले भैया को, और भाई मैंने उनको बोल दिया बनाने के लिए। हम उनके पास चलते हैं सीधा, अब देखते हैं कि अपनी बाइक में 6 रूट्स कैसे लगते हैं, कैसी फिटिंग होगी और कितनी तगड़ी लुक आने वाली है। अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप भी बता सकते हैं कि कैसे रूट्स लगवाएं हम, और उनके ऊपर ये भी बताना कि हम लाइटिंग करवानी है नहीं करवानी है। तो भाई ये खड़ी अपनी बाइक देख लो इसको, अभी आप बिना रूट्स के कुछ ऐसी लग रही है, जब रूट्स लग जाएंगे ये बहुत ही खतरनाक लगेगी भाई। मैं कह रहा हूँ अपनी बाइक निकल के आने वाली है, कुछ मार्केट में नया आने वाला है। और भाई मुझे इसमें एक कलर और समझ आ रहा है, वो आ रहा है भाई मुझे डार्क ब्लू कलर, जो डार्क ब्लू कलर की जैसी ये वाली लाइट लगी हुई है ना, मैं वो सोच रहा हूँ कि 6 की 6 वैसी करा दूं भाई। अब आप बताओ कि कौन से कलर की करानी चाहिए। और भाई चलो भाई चलते हैं अंकल के पास में, जिनके पास में मैंने वो जाल बनाने के लिए दे रखा है रूट्स के लिए। तो भाई मिलता हूँ आपको सीधा वहां पे, और वहीं पे अंकल से देखते हैं अंकल ने कितना काम कराया, अभी क्या पता कुछ भी नहीं कराओ, हम अंकल से जाके भी काम कराएंगे। तो मिलता हूँ आपको सीधा दुकान पे। अंकल कितना हो गया वो? अच्छा खींच दी पत्ती, भाई देखते हैं क्या भाई। ये रही वो पत्ती जो हम करवाने वाले हैं, और ये रहे अपने 6 रूट्स जो अपनी बाइक में लगने वाले हैं। और भाई अंकल को अभी समझाता हूँ कैसे क्या करना, अभी तो अंकल ने कुछ भी नहीं करा। ये रही वो पत्ती अपनी, और भाई अभी तो अंकल ने कुछ भी नहीं किया, मैं तो अंकल को पत्ती भी देके चला गया था जो ये रखी, और अपने रूट्स ये रखे ऐसे के ऐसे ही। और भाई अंकल को मैं समझाता हूँ कि आगे काम कैसे करना है, तो मिलता हूँ बाद में। तो भाई अंकल ने तो मना कर दी, वो बोल रहे कि मेरे रिश्तेदारी में मौत होगी। तो भाई मैं वहां से सामान उठा के ले आया, ये रहा सामान पीछे रखकर तू सारी बट्टा, और ये रही अपनी एंगल। तो भाई अब चलते हैं बागपत, जिसमें वेल्डिंग करवाता हूँ ना उसकी चलेंगे यार, अब किसी और के नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा था कि यार अपने डटरी में ही काम हो जाए यार, पर वहाँ पे काम बना नहीं। तो भाई बागपत चलते हैं, वहाँ पे काम बनाते हैं। तो भाई आगे थे बागपत, और अपने जिसपे मैं वेल्डिंग का काम कराता हूँ उन भाई के पास में आ गए। उन भाई ने आते ही बोल दिया कि काम हो जाएगा, काम में कोई दिक्कत नहीं आगी। ये रे वो भाई खड़ी कर दी अपनी बाइक, और ये रखे हमारे रूट्स, और ये लगेंगे। भाई को सारा काम समझा दिया, भाई ने एक मिनट में काम समझ लिया, इतना टाइम नहीं लगाता भाई, क्योंकि भाई भाई बिल्कुल परफेक्ट है, जिसको भी काम करवाना हो आ जाना, बस राष्ट्रीय वंदना चौक से 500 मीटर आगे अरेरी दुकान। अपने और इनका हो चुका है काम चालू, और भाई भैया ने चालू कर दिया नपाई तुलाई, और पूरी नपाई तुलाई करके करेंगे। और इधर बना रहे अपना स्टैंड, ये पत्ती तो मैंने कल ही लगवा ली थी, और ये ऐसे पत्ती सीधी जाएगी। एक बार पत्ती का काम चालू होता है तब मिलता हूँ आपको। ये वाली पत्ती काट दिया जाल के लिए, और इसकी अब डबल पत्ती काटेंगे जो दोनों साइड लगेगी, एक इधर एक उधर। तो भाई वेल्डिंग करना चालू कर दिया है भाई ने, और इस पत्ती को वेल्ड कर रहे हैं। अपनी दोनों साइड की एंगल बन के तैयार हो चुकी है, इधर की जिसपे ये रूट्स लगेंगे, ये इधर की येरी और इधर की येरी, और ये वाली जो एंगल है ये वाली ऐसे सपोर्ट में आएगी, तो अपना बिल्कुल काम ना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये ऐसे आएगी सपोर्ट में तो बिल्कुल मजबूत काम हो जाएगा। और इस वाली एंगल पर ना छेक करवा के लाने हैं ये यहाँ पे, ताकि ये इधर ऐसे इधर इस वाले छेक में लग जाए जिधर ये होल है, और ये इधर ऐसे वेल्ड हो जाएगी। तो सामने दुकान है, अभी वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। ये रही वो अपनी दोनों एंगल जिसमें छेक कराने हैं, और वो रही सामने दुकान, यहाँ पर अपने 12 नंबर के छेक कराते हैं, इनमें छेक कर दे जाए निशान से हो रही ये वाले। पत्ती में दोनों छेक तो होगी, और ये दोनों छेक हुए हैं भाई 70 रुपए के, बड़े महंगे छेक करे हैं। तो भाई अपना आधा फ्रेम तो बन के रेडी हो चुका है, फ्रेम बहुत बढ़िया बनाते हैं, आपको दिखाता हूँ फ्रेम कैसा बनाए। ये देखो अपना फ्रेम बना है, ये वाली होगी सपोर्ट वाली एंगल, ये होगी मेन एंगल जिस पर अपने रूट्स लगेंगे। दोनों साइड चेक कर लो आप, ये इधर भी चेक करो, आ रहा है ना मस्त लुक। अभी जब रूट्स लग जाएंगे जब देखना आप, अभी तो इसमें यहाँ पे 3 छेक होने, उधर भी 3 छेक होने, और ये अपनी आगे कोल्ड ड्रिंक। भाई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अपने माहौल को ठंडा करते हैं, गर्मी भाई साहब बहुत हो रही है देख लो। नीचे उतार लेते हैं अपना स्टैंड सारा, और इस पे चारों तरफ ना वेल्डिंग कर दी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और वहाँ पे भी, और वहाँ पे भी, इसको पूरी तरह से मजबूत बना दिया। और अभी इस पे मारेंगे ग्राइंडर, ग्राइंडर से पूरी फिनिशिंग निकाल लेंगे, इसके चारे जो कोने बने रखे हैं उसको, यानी गोल गोल उसमें करेंगे, कहीं किसी को लग जाए तो चोट ना लगे।
हमारा स्टैंड तो बन चुका है, स्टैंड पे आप पेंट करते हैं। ये रहा अपना पेंट और ये रहा अपना स्टैंड भाई हाथ में ले रहा है, और वो रहे अपने बोल्ट, सारा सिस्टम रेडी हो चुका है। एक पेंट का डिब्बा ये रहा, एक पेंट का डब्बा ये रहा, और बाइक खड़ी अपनी वो वहाँ पे, और लगाते हैं अब छह रूट चेहरे, सारा काम रेडी। अब शाम के 6 बज चुके हैं, सुबह से लगा पड़ा हूँ, और ये रहे हमारे भाई आकाश भाई, सिस्टम। चलो लगाते हैं बाइक पे, पहले इसमें ना पेंट कर देते हैं, इसे पेंट करके फिर मिलता हूँ आप। तो भाई अपने स्टैंड पे तो हमने पूरा पेंट कर दिया था, अच्छे से दो दो कोट मार दिए, और भाई ने बोल्ट खोलने चालू कर दिए हैं। अब इसको इस पे लगाते हैं, रूट्स वे रखे अपने, अब फिर उस पे रूट्स लगाएंगे। खतरनाक लुक आने वाली है भाई, जो अपने रूट्स उन पे पत्ती होना टाइट होगी, अब सारे रूट्स पे पहले पत्ती टाइट करते हैं, और जो अपने वाले रूट्स है ना जो पहले बाइक में लग रहे थे, इन पे से ना ये उतार देते हैं, क्योंकि अब इनका कुछ काम नहीं लगेगी भाई। मैं कह रहा हूँ सिस्टम हैंग होने वाला, चलो इसको उतार के मिलता हूँ, चारों 6 रूट्स को जब बाइक में लग जाएंगे सीधा जब मिलता। तो भाई लग चुके अपने पूरे 6, और बाइक की लुक कुछ ऐसे निकल के आई है, देख लो, चेक करो इधर से, आपको इसको स्टैंड पे से उतार के दिखाता हूँ, जब चेक करना बाइक की लुक कैसी आई है, कितनी तगड़ी आई है, तगड़ी लग रही है। अभी तो इसके ऊपर लाइटिंग होना बाकी है, वो मैं कल कराऊंगा भाई, मौसम तो बुरा, रात हो चुकी है आकाश भाई, अब रात हो चुकी है, तो लाइटिंग का काम कल करेंगे भाई, लाइटिंग का काम हम कल करेंगे। देख लो भाई पसीना, ये होती है मेहनत, ये काम ना भाई ऐसी नहीं होता, ये दिखता बहुत आसान है आपको, ज्यादा ज्यादा मैं 10 मिनट की वीडियो डालूंगा, 12 मिनट की, पर भाई मुझे ये देखो इसमें, मुझे पूरा का पूरा दिन लग गया। हाँ तो भाई कल मिलता हूँ जब मैं लाइटिंग का काम कराता हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कौन सी लाइट लगवाने वाला हूँ, तो मिलता हूँ सीधा कल भाई। ये लास्ट क्लिप से अब तक का 2 दिन हो चुके हैं, और अब तक अपनी बाइक का कुछ काम नहीं हुआ। मैं कल चला गया था फोन लेने, एक भाई को फोन दिलाया और लैपटॉप दिलाया, और परसों मैंने ली थी बाइक की डिलीवरी, जैसा कि आपको बताया था। वो लोग दोनों आपको व्लॉग ना वो देखने को मिलेंगे बाद में। और अब मैं आ गया हूँ महादेव एसोसिएशन बड़ोद अपने भाई के पास में, मैंने यहाँ से लिया ये नियॉन लाइट, जो कि आपको देखने पर मिलेगी जब ये रूट्स में लगेगी, ये वो एक ये ली है, और ये ली है डिजाइन के लिए, जो ब्लू कलर का डिजाइन निकाल लेंगे। और ये रे बैठे भाई, राम राम भाई को, ये वाली लाइट लिया भाई से, जिस किसी को भी काम कराना हो ये रहा एड्रेस आ सकता है। हाँ जी भाई, तो आज हो चुका है अपना दूसरे दिन, आपने देखा कि कल मैं वहां से बड़ोस से लाइट लेके आ गया था, और अब उनको लगाने का काम चालू कर दिया हमने, लाइट में करवा लिया भाई साहब सोल्डिंग, प्रॉपर काट लिया और इनमें सोल्डिंग करवा दी है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इधर जो हमने रूट्स के ऊपर ना जो सीट कवर आता है, जो हमने वो वाला सीट कवर चढ़ाया इन पे, और अभी इनकी कुछ कंडीशन ऐसी आई है भाई, मैंने कहा तकड़ा लगने वाले माहौल बनने वाले गर्मा गर्म, ठीक है। और ये भाई साहब आपको कुछ लग के ऐसे लगेंगे, ये लाइट के साथ है, अभी इनके ऊपर डिजाइन भी आएगा, तो आपको डिजाइन भी दिखाता हूँ कि कैसा डिजाइन आएगा इनमें। भाई साहब 2 घंटे हो गए पूरे काम करते करते, देख सकते हो अभी इतना काम हुआ है, और इनमें इनका मैं डिजाइन भी कटवा के ले आया था, और डिजाइन अपना सूखने लग रहा है, ये अपना डिजाइन सूखने लग रहा है, ये अभी आपको दिखेगा नहीं, पर ये अपना डिजाइन है जो कि इसमें लगेगा, इनके ऊपर डिजाइन आएगा। और मैं बता दूं ये कैसे लगने वाले हैं, कैसे लगने वाले हैं दिखा दूं आपको ऐसे, ये चेक करो। तो भाई अपने रूट्स हो चुके हैं बिल्कुल तैयार, आपको दिखाता हूँ कैसी लुक आई है, बड़ी तकड़ी लुक आई है, मैं ये कह रहा हूँ एक नंबर के लग रहे हैं, और आप देख के कहोगे तो वाओ। देखो भाई फिनिशिंग चेक करो भाई, मैं ये कह रहा दुकान वाले पे भी नहीं निकलेगी ऐसी फिनिशिंग जैसी ये इन रूट्स पे निकली है। और जो मैं आपको दिखा दूं इनके ऊपर डिजाइन क्या लगने वाला है, इनके ऊपर लगने वाला है बैटमैन, ये चेक करो भाई, ये ऐसे आएगा और इसके ऊपर लाइट आएगी, ठीक है। ये अभी आपको अच्छा नहीं लगेगा ज्यादा, इनके ऊपर ये ब्लू वाली लाइट आएगी, जब ये ऊपर अब इनके ब्लू वाली लाइट लगाएंगे फिर आगे करेंगे कार्रवाई। चेक करो भाई सब क्या तकड़ी लुक आई है। तो भाई 12 बजे के लगे हुए हैं, अब बज चुके हैं 5, आप टाइम देख सके, कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही मिनटें बाकी, आपको चेक कराता हूँ। और भाई भूख लगने लगी थी, सुबह तो कुछ खा लिया था हल्का मोटा, अब समोसे मंगाए, समोसे खा के फिर काम करेंगे दोबारा, बहुत टाइट भूख लग रही थी, तो भाई कुछ खा के ना फिर करते हैं काम। आज अपनी बाइक का काम चलते हुए 3rd या 4th दिन हो गया है, और भाई शाम को निकलेंगे, आज होगी 31 तारीख, और अपनी बाइक की सर्विस करवा लेते हैं। पहले अपनी बाइक का काम यहाँ पे चालू हो चुका है, छोटे भाई ने अपना इंजन ऑयल निकाल दिया है, और इसकी पूरी सर्विस करवाते फिर इसकी वॉशिंग करवाएंगे, फिर इसको लेके चलेंगे, और उसके बाद में ना रूट्स लगाएंगे। चलो मैं ना सर्विस करवा के मिलता हूँ आपसे। सर्विस का काम पूरा हो गया था, अपनी बाइक को ले आए वॉशिंग करवाने, अपनी बाइक की वॉशिंग चल रही है, चेक करो आप, और भाई अच्छे से वॉशिंग हो गई है, अभी बहुत ज्यादा टाइम लग गया, अब जाके अपना रूट्स का काम करेंगे सीधा, ठीक है। अरे अरे महादेव मेरे सभी शिव भक्तों को मैं पहुंच चुका हूँ हरिद्वार, आपको यहाँ का माहौल चेक कराता हूँ, अपनी बाइक केरी, और आप चेक करो ये सीन। तो भाई जो आपने लास्ट क्लिप देखी उससे चुके हैं मुझे पूरे 4 दिन, मैं हरिद्वार भी चला गया था, हरिद्वार से वापस भी आ गया, अच्छे से चला गया था, अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और भाई उस बीच जो मैंने सर्विस कराने के बाद मैं घर पे गया था, मैंने उसमें वीडियो भी बनाई, और उसमें मैंने रूट्स भी लगा लिए थे 4-6 के 6, और उन पे लाइट भी लगा दी थी, जो रूट्स की वीडियो थी ना वो मेरे से डिलीट हो गई,
किसी वजह से वो पता नहीं कैसे होगी मेरे फोन में से चली गई यार वो, तो भाई उस बीच की कोई वीडियो नहीं मिलेगी, ना ही कनेक्शन करने की वीडियो मिलेगी, ना ही आपको रूट्स लगाते हुए वीडियो बने मिलेगी। और मैं आपको अभी बाइक की सीधा फाइनल लुक चेक कराता हूँ कि बाइक की फाइनल लुक कैसी आ रही है। और इसमें ना जो थोड़ी बहुत लाइटिंग थी, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ कि बाइक में लाइट कहाँ से खराब हो गई है। एक बार जो ये वाली लाइट है ना, ये वाली देखो, ये वाली लाइट ना आधी जल रही है, तो थोड़ी सी ये खराब होगी, ये वाली आधी खराब हो गई, बहुत सारी लाइट ना खराब हो गई। एक भाई ने बाइक मार दी थी यहाँ पर रूट्स में, तो वो ये भी कवर भी फट गया। वैसे भी मैं 6 के 6 और अभी ना उतारने वाला हूँ, इनको दोबारा लगाने वाला हूँ। अभी 6 नहीं तो 4 लगाऊंगा, उनमें कुछ नया डिजाइन करूंगा ताकि कुछ अपनी बाइक अलग लगे। वैसे भी अपनी बाइक का कलर कुछ अलग है तो उसको मेंटेन करेंगे भाई।